यार वो एक गल दसनी सी, अमर निम नू लभ्या ते हुण मैं कोई नहीं आ सकदा, मेरी मर्जी। चलो सवारी लाभ के आ जा। ठीक हो। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तो अभी हम मौजूद हैं यहाँ पर अहमद भाई की दुकान पर, और यहाँ पर लोन भाई हमारे साथ है। तो बेसिकली बात यह है कि हमारा एक दोस्त है और वो सियालकोट से आया, कज़न ही है, तो उसके साथ हम करने लगे हैं प्रैंक। वो सुबह से कॉल कर रहा है कि मुझे यहाँ से ले जाओ, मेरे पास बाइक नहीं है। तो हम उसे चक्कर दे रहे हैं बार बार, तो लेने जाएंगे उसे, लेकिन उसे बताएंगे नहीं। तो अभी फिर दोबारा उसे कॉल करते हैं और उसे बताते हैं, यार अमर भाई नहीं मिल रहा, मैं अकेला कैसे हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ यार, नहीं लभदा भाई अमर, नहीं लभदा भाई अमर, मैं कला की मैं आवा, मुनु कसमे ओदे घर दा नहीं पता, मुंडियाले स्कूल दा पता ही ना। मुंडियाले स्कूल दा? हां। अच्छा यार, हुन ओथे आ गली च फोन कर ला मन्नो। यार हुन किवे आवा यार, दोनों नु लभदा पया मैं, एदे घर गया, घर भी कोई नहीं, वली दो ना घर भी कोई नहीं, ओ तो आवे खेलना आया है। ए होई टेंशन है, चलो मैं कुछ इंतजाम करना। चल रुक रुक, तू उथे ही रही फिर, शेबी होर घर ही रही। आहो मैं करना कुछ। तो अभी मैं मौजूद हूँ अमर भाई के घर के बाहर, और अमर भाई आ रहे हैं, तो उसके साथ जो है जाते हैं। और वैसे उसको बताया कि हम नहीं आ रहे, यानी कि अमर नहीं मिला, लेकिन वहाँ पर जाकर अमर को साथ लेके जाते हैं, चलते हैं। अभी ये अमर भाई आ रहे हैं। यार तो अभी हम जा रहे हैं, जेडी इंग्लिश इन्होंने मारी है ना, यकीन करो अंग्रेज भी तरसते होने के। तो फ्रेंड्स अभी हम रास्ते में रुके हैं, भाई की जो बाइक का कुछ मसला है तो वो कुछ सॉल्व करते हैं। तो ये भी हमारे गांव का ही है भाई, लेकिन अभी बात सुने कि हुआ क्या है कि अभी उसकी असद की कॉल आई है और उसने बोला है कि मैं बाहर खड़ा हूँ, जल्दी आ जाओ। लेकिन मैंने उसे बोला है कि मैं अमर को ढूंढ के फिर दोबारा आता हूँ। ये सुबह से मैंने यही रट लगाई हुई है कि अमर को ढूंढ के आता हूँ। अभी वो फुल परेशान होगा। अमर भाई जरा सब्र करें, क्या हो गया आपको? अभी भाई का जो है हाथ पकड़ लेते हैं। ओए होली होली अमर है, क्यों होया, सो गया? होली होली, और ये हाथ पकड़ के हम लेके जा रहे हैं भाई को, और भाई की जो बाइक का ना स्लब का मसला बन गया। ओपन पर खड़े होकर ना इसको कॉल करते हैं और कहते हैं कि हम नहीं आ सकते, मैं नहीं आ सकता, देखते हैं इसका रिएक्शन क्या होता है। अभी कॉल करने लगे हैं उसे। हेलो, हाँ जी। ओ यार डॉन कितने हैं तू?
अच्छा गली दे सामने खड़ोता है ते यार ओ एक गल दसनी सी अमर ने मेनू लभ्या ते हुण मैं कोई नहीं आ सकदा क्यों मेरी मर्जी चलो सवारी लाभ के आ जा ठीक हो अब हमने बोला कि हम नहीं आ सकते लेकिन वो पता नहीं कहाँ पर है वैसे तो ये छोटा सा ही प्रैंक है लेकिन बहुत मज़ेदार है उससे मैंने सीधा सीधा जवाब दे दिया मैंने बोला है कि नहीं मैं नहीं आ सकता सवारी कोई भी ढूंढ लो और आ जाओ गांव में और अभी जाते हैं उसके पास और उसका रिएक्शन नोट करते हैं मैं तेन आख्या सवारी लभ के आ जा चल आया है तो ये हमारे असद भाई हैं की बनी भाई काक भी नहीं मैंने इसे बोला है कि हम नहीं आ रहे जो करना कर लो कहता है आगे से कहता है चलो यार मर्जी है तुम्हारी चलो ठीक है मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए अल्लाह हाफिज मुझे इजाजत दीजिए और असद भाई को शौक मनाने दीजिए